सौर्यमंडल में बहुत से उपग्रह हैं जो अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उन्हीं में से एक है अपना इकलौता उपग्रह मून, जो अपनी धरती के चक्कर लगाता है। पृथ्वी से लगभग 384,365 किलोमीटर दूर चंद्रमा स्थित है। मून के बारे में कई फैक्ट्स हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। उन्हीं फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाउ मून वॉज मेड। लगभग 4.5 करोड़ साल पहले अपनी धरती का जन्म हुआ था। तब वो एक आग का गोला थी। फिर कुछ सालों बाद एक मंगल के आकार के ग्रह और अपनी धरती के बीच एक भीषण टक्कर हुई। उसी टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ, उसी के अवशेषों पर बना है अपना मून। यह मलबा पहले तो धरती के कक्षा में ही घूमता रहा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से सभी टुकड़े एक पास आ गए और अपने चंद्रमा का निर्माण किया। वैसे ये बस वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि अपोलो जब मून पर उतरा था तब एस्ट्रोनॉट्स वहां से मून के कुछ पत्थर धरती पर ले आए थे। उन पत्थरों का जब कार्बन डेटिंग किया गया तब पता चला कि धरती और चंद्रमा के जन्म में ज्यादा अंतर नहीं है। अगला फैक्ट जानने से पहले सब्सक्राइब करो इस चैनल को और जानो ऐसे ही गजब फैक्ट्स। सीइंग अर्थ फ्रॉम मून। पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन हमें चांद बड़ा और बहुत सुंदर दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चांद एकदम चमकीला सफेद रंग का दिखता है। पर क्या आप सब जानते हैं कि धरती से चांद का सिर्फ 57% हिस्सा ही देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप चांद पर खड़े होकर धरती को देखोगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और मून से धरती चमकदार नीले रंग की दिखाई देगी। और यह सुंदरता धरती से चांद को देखने के सामने बहुत ज्यादा है, लेकिन बस इसके लिए आपको चांद पर उतरना होगा। ब्लैक स्काई। धरती पर जो हम नीला आसमान देखते हैं उसका कारण धरती पर 70% से ज्यादा पानी है, जो रिफ्लेक्ट होकर हमें नीला आसमान दिखाता है। इतने अधिक मात्रा में जल होने के कारण हमारा आसमान साफ और स्वच्छ दिखाई देता है, पर मून पर इससे बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पर आसमान बेहद डरावना दिखाई देता है। वहाँ का आसमान धूल भरा होता है और बिल्कुल काला दिखाई देता है। सूर्य के वजह से वहाँ दिन और रात में धूल के तूफान उठते रहते हैं। मून पर पानी तो है, पर इससे वहाँ का आसमान नीला नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पर धरती जितना पानी तो है ही नहीं। वहाँ पर पानी है पर वो ठोस रूप में बहुत ही कम है। मून विल बी वैनिश्ड। मून के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वो धरती से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है, और मून के दूर होने की वजह से धरती के चक्कर लगाने में उसे ज्यादा समय लगेगा। एक निश्चित दूरी पर पहुंचने पर मून धरती के चक्कर लगाने में 28 दिन के बजाय 48 दिन का समय लेगा। और इसी तरह अगर मून धरती से दूर होता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब मून धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से दूर चला जाएगा और अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगा। तब धरती पर दिन सिर्फ 6 घंटे का ही रहेगा, क्योंकि मून अर्थ की रोटेशनल स्पीड को कम करके रखता है। पर जब मून दूर चला जाएगा तब रोटेशनल स्पीड में काफी इंक्रीजमेंट होगी। द मून मेक्स द टाइड्स ऑफ अर्थ। आपने बहुत बार समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को देखा होगा, पर आप में से बहुत से कम ही लोग जानते होंगे कि धरती पर लहरें मून के वजह से आती हैं। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि लहरें हवा की वजह से उठती हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी लहरें हवा की वजह से नहीं उठ सकती। लहरों की एकमात्र वजह अपना मून होता है। दरअसल जब मून अपनी धरती के चक्कर लगाता है तब वो समुद्र की लहरों को अपनी ओर टान लेता है, जो धरती पर बड़े बड़े लहरों के रूप में नजर आता है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये बिल्कुल फ्री है।